गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट स्टडी। ठीक है, पावर पॉइंट स्टडी में हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर। मेरा नाम है शशांत कश्यप। ठीक है, आप हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर। इसमें हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर में चौदह जनवरी है आज और हम पढ़ेंगे, मकर संक्रांति है आज और हम पढ़ेंगे 13 जनवरी की डेली करंट अफेयर। ठीक है, डेटा सेंटर प्रबंधक ने, ठीक है, डेटा सेंटर और प्रबंधित सेवा दाता, प्रबंधित सेवा दाता द्वारा, प्रदाता द्वारा, सॉरी, इन्होंने क्या किया, डेटा सेंटर और प्रबंधक सेवा प्रदाता कार्टलस, ठीक है, कार्टलस, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बम्बई में क्या किया, इन्होंने एशिया का सबसे बड़ा क्या किया, इन्होंने एशिया का सबसे बड़ा गैस इंसुलेटर विकसित किया। इन्होंने गैस इंसुलेटर इंसुलेट गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन, क्या क्या, गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन स्थापित किया इन्होंने। ठीक है, यह स्टेशन 300 मेगावाट वर्तमान में क्या है, फिर इसकी क्षमता कितनी है, 300 मेगावाट किसकी वर्तमान में, और भविष्य में इसकी क्षमता 700 मेगावाट तक हो जाएगी। ठीक है, ये किसके द्वारा विकसित किया, डेटा सेंटर प्रबंधक प्रबंधक और सेवा प्रदाता कार्टलेट ने मुंबई में एशिया का सबसे बड़ा गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन विकसित किया है। ठीक है, मतलब बनाया है। ठीक है, इसकी वर्तमान में क्षमता इसकी क्या है, 300 मेगावाट और आगे जाके कितनी जाएगी, 700 मेगावाट इसकी क्षमता हो जाएगी। ठीक है, 13 जनवरी को, किसको, 13 जनवरी को, 13 जनवरी क्या मनाएगा, लोहार का त्यौहार, लोहड़ी का त्यौहार, लोहड़ी का त्यौहार मनाया गया, लोहड़ी का त्यौहार मनाया गया। ठीक है, इस त्यौहार का क्या मकसद रहता है, इस त्यौहार का मकसद ये रहता है, यह त्यौहार कब मनाया जाता है, कि यह एक नए फसल के मौसम की शुरुआत होती है, मौसम की शुरुआत। ठीक है, क्या होते हैं, नए फसल के मौसम की शुरुआत के लिए, एक नए मौसम की शुरुआत होती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, मतलब हर तरीके के चेंजेस होते हैं, सूरज की अपनी दिशा बदल देना एक तरीके से। यह उत्तर भारत में परंपरा के शीत लोकन उत्सव या किसान, कौन सा क्या बनाया जाता है, पारंपरिक शीत कालीन लोक या शीतकालीन लोक उत्सव, ठीक है, इस शीतकालीन लोक उत्सव या क्या मनाया जाता है, किसानों का लोकप्रिय फसल उत्सव। ठीक है, फसल उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, किस किस के रूप में मनाया जाता है, एक नए फसल के मौसम की शुरुआत में, उत्तर भारत में परंपरागत शीत लोक उत्सव या किसानों के लोकप्रिय
फसल उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। ठीक है, इसको मनाया जाता है। बूट ज्यादा गंदा दिख रहा है ये। ठीक है, इसरो ने गगनयान के इसरो ने क्या किया, गगनयान मानव मिशन के लिए इसरो ने क्या किया, इसरो ने गगनयान मिशन के लिए कौन से इसरो ने गगनयान मानव मिशन के लिए क्या किया, एक क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया। किसका? क्रायो जेनिक इंजन का क्या किया, परीक्षण किया, जो कि सफल रहा। ठीक है, क्या किया इसरो ने गगनयान मानव मिशन के लिए क्रायोजन इंजन का परीक्षण किया जो कि सफलतापूर्वक हुआ। इसे तमिलनाडु के में इसरो प्रोपेलेंस ठीक है, और कॉम्प्लेक्स इसरो कॉम्प्लेक्स में 12 जनवरी को, ठीक है, इसमें 12 जनवरी को कितने 720 सेकंड के लिए, 720 सेकंड के लिए अवधि के लिए इसमें परीक्षण किया गया। ठीक है, 720 अवधि के 720 सेकंड के अवधि का परीक्षण किया गया और सभी प्रकार की क्या सभी प्रकार के उद्देश्यों को पूर्ण किया गया। क्या सभी उद्देश्यों को पूरा किया गया। ठीक है, इसरो ने ये क्या किया कि मानव मिशन के लिए क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया, जिसमें जो भी मतलब एक तरीके से जो भी उद्देश्य थे कि इस तरह का काम किएगा, उस तरह के सभी उद्देश्यों का पूरा किया और 720 सेकंड को तक इसको चलाया गया। मतलब कि कुछ मतलब कुल कुल वही समझ लिया, 720 720 सेकंड या 12 मिनट। ठीक है, 12 मिनट के लिए, 720 सेकंड के लिए इसको चलाया गया। ठीक है, इसमें जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क थ्री लॉन्च व्हीकल और दो क्रायोजेनिक इस्तेमाल किया गया। ठीक है, क्या किया इसमें जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 लॉन्च व्हीकल और दो क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, इस इंजन का नाम क्या है, इस इंजन का नाम क्या 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 इन क्रायोजेनिक इस इंजन का नाम विकास रखा गया। ठीक है, इसका नाम क्या रखा गया, विकास नाम रखा गया इस इंजन का।
ठीक है, इस इंजन का क्या नाम रखा गया? विकास नाम रखा गया इस इंजन का, ठीक है। पर्यावरण कौन से, पर्यावरण वन और जलवायु, पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन? भूपेंद्र सिंह द्वारा। इनके द्वारा क्या किया गया? भूपेंद्र सिंह नहीं, भूपेंद्र यादव द्वारा, भूपेंद्र यादव द्वारा 13 जनवरी को इंडिया स्टेट ऑफ किसकी, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट फॉरेस्ट की रिपोर्ट जारी की गई, ठीक है। फॉरेस्ट की रिपोर्ट, उसकी रिपोर्ट जारी की गई। इसमें क्या बताया गया? इस रिपोर्ट में बताया गया कि देश में कुल वन और वृक्ष आवरण, वन और वृक्षावरण 80.9 मिलियन हेक्टेयर है। ठीक है, देश में कुल वन और वृक्ष का आवरण कितने? 80.9 मिलियन हेक्टेयर है, ठीक है। ये बताया गया इस रिपोर्ट में। रूसी सेना ने, ठीक है, क्या हुआ? रूसी सेना द्वारा 3 जहाजों को 2 दिवसीय समर्थ के लिए कोचिंग, मतलब रूसी सेना द्वारा, नौसेना द्वारा 2 दिवस का, 2 दिवस का क्या किया? युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ पे कर रहे हैं? श्रद्धा कौन से युद्ध अभ्यास नहीं, सॉरी, 2 दिवस का श्रद्धावान यात्रा, ठीक है। 2 दिवस की श्रद्धावान यात्रा कर रहे हैं, ठीक है। इसमें 3 जहाज हैं, कितने? 3 जहाज साथ शामिल है इसमें। तीन जहाज इसमें क्या है? 3 जहाज शामिल है, ठीक है। इस यात्रा में, यात्रा के दौरान रूस में भारतीय रूसी सेना और भारतीय सेना के बीच क्या हो गया? व्यावसायिक बातचीत की योजना होगी, ठीक है। इसमें क्या होगा? भारत और रूसी सेना के बीच क्या होगी? बातचीत होगी। किसकी? व्यापार, मतलब एक तरीके से व्यावसायिक बातचीत होगी, मतलब लेन देन की बातचीत होगी। कौन सी? व्यावसायिक बातचीत होगी। इन दोनों देशों के बीच क्या होगी? व्यावसायिक बातचीत होगी। इसमें रूस के कौन कौन से 3 जहाज शामिल? इन 3 जहाजों के नाम क्या है? क्रूजर, वाइंग, विध्वंसक, एडमिरल। टाइवराज और टैंकर, बोरिस बुटोमा, ठीक है। ये 3 जहाज शामिल है, ठीक है। इसमें कितने? 3 जहाज शामिल है। एक आखिरी पॉइंट और रह गया,
लास्ट में एक आखिरी पॉइंट रह गया, ठीक है। 14 जनवरी को कौन सा, 14 जनवरी को क्या बोला, मकर संक्रांति मनाया जाता है, ठीक है। मकर संक्रांति मनाया जाता है, ठीक है। तो ये अलग 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 नाम से मनाया जाता है, ठीक है। ये इस दिन क्या होता है, ये दिन सूर्य देवता को समर्पित होता है। ये दिन किसको, सूर्य देवता को, सूर्य देवता को क्या होता है, समर्पित होता है, ठीक है। ये दिन क्या होता है, सूर्य देवता को समर्पित होता है, ठीक है। इस दिन क्या होता है, पौष का महीने, पौष महीने के, पौष महीने से हिंदू धनु से मकर तक की एक वार्षिक परिक्रमा, मतलब एक तरीके से बताया गया कि जो सूर्य की रेखा होती हैं वो कहाँ से, धनु से मकर तक, मतलब एक तरीके से पृथ्वी कि यहाँ होती है धनु रेखा, यहाँ होती है मकर रेखा, ठीक है। तो सूरज की किरणें यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच जाती हैं, मतलब एक तरीके से पूरा, एक तरीके से चक्र पूरा कर लेती हैं, ठीक है। सूर्य की रेखा यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँच जाती है, बीच में भूमध्य रेखा, ठीक है। सूर्य की सीधी किरणें मतलब सर्दी गर्मी बरसात, मतलब तीनों मौसम का वो क्या हो जाता है, एक तरीके से पूर्ण हो जाता है, संपूर्ण चक्र पूरा हो जाता है धरती पे, सूरज की किरणों का संपूर्ण चक्र पूरा हो जाता है। जिस इसलिए धनु से मकर तक वार्षिक पराग का प्रतीक है, ठीक है। वार्षिक पराग का मतलब एक तरीके से वार्षिक पराग का प्रतीक है, सूर्य के वार्षिक पराग का, सूर्य के वार्षिक परगमन का प्रतीक है, ठीक है। क्या है, मतलब यही है कि मतलब धनु से पकड़ते सूर्य के वार्षिक पराग का प्रतीक है ये त्यौहार, ठीक है। यह असम में, इसे असम में बहु नाम से, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में से पोंगल, और केरल में इसे विशु नाम से मनाया जाता है। मतलब तीन जगह ये अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, ठीक है। असम में बहु नाम से, तमिल में पोंगल नाम से, केरल से विशु नाम से मनाया जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़े और लाइक और शेयर करना ना भूलें।